यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग अभी बाद में आए जो पता चला कि यूपीपीसीएसजे की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। इंग्लिश की बात हो रही थी, यूपीएससी मेंस की पर्टिकुलरली पहले बात करें तो एक तो क्वालिफाइंग पेपर आता है 300 नंबर का, जिसमें ग्रामर भी होती है, वोकैबुलरी भी होती है, ऐसे राइटिंग होता है, प्रेसी राइटिंग होता है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसमें शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, वो एसएससी बैंकिंग की तरह नहीं होता कि चार ऑप्शन दिए गए आपको उसको टिक करना है, ठीक है। अच्छा, फिर हो गया 1200 वर्ड्स का आपका ऑप्शनल वाला पेपर, ऐसे वाला जिसमें आपको कॉन्टेंट बहुत अच्छा चाहिए, आपकी आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी कितनी अच्छी है, और इंग्लिश भले ही बहुत अच्छी ना हो लेकिन ऐसा ना हो कि बार बार हर पांचवीं सेंटेंस में आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक हो रही हो, वोकैबुलरी की मिस्टेक हो रही हो, वोकैबुलरी का एक बहुत जो बचकाना रेपिटिशन होता है कि आप सेम वर्ड से बार बार काम चला रहे हैं, जो जनरली होता है ऐसे राइटिंग में, वो ना हो। क्योंकि लिमिटेड स्टॉक वोकैबुलरी जो होता है वो दिखने लगता है, खास तौर से 1200 वर्ड्स के ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं डाउटफुल, अब आप डाउटफुल को अगर 8-10 बार यूज़ करेंगे तो वो खटकेगा। सेम सिचुएशन के लिए अगर आपके पास मल्टीपल वर्ड्स हैं, डाउटफुल की जगह आपने यूज़ कर दिया एप्रीहेंसिव, आपने यूज़ कर दिया आई एम स्केप्टिकल ऑफ दैट, तो भले ही बहुत ज़्यादा फ्लावरी लैंग्वेज ना हो लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि जैसे न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है कि उनके पास एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। ये बात हम उस पेपर की नहीं कर रहे हैं जो यूपीएससी मेंस में क्वालिफाइंग का आता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो 1200 वर्ड्स का आता है, ठीक है। क्योंकि उसमें कंटेंट भी टॉप नॉच होना चाहिए, लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए भले ही बहुत अच्छी ना हो, आर्गुमेंटेटिव एबिलिटी अच्छी हो, ये है। दूसरी चीज़ हम बात कर लें अगर उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, तो पीसीएसजे में अभी तक तो ये हुआ करता था मेंस में कि 200 नंबर की इंग्लिश आया करती थी 200 मार्क्स की, जिसमें एसे, प्रेसी, ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश हुआ करता था। इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि 100 मार्क्स का हो गया है, 100 मार्क्स की इंग्लिश, 100 मार्क्स की हिंदी, हिंदी का पेपर भी आएगा तो, लेकिन जो 100 मार्क्स की इंग्लिश आएगी उसमें जो नेचर ऑफ द पेपर है वो तो वही रहेगा इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस, के ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, प्रेसी में जिसमें पैसेज को एक तिहाई, पैराग्राफ को एक तिहाई करके लिखना होता है जो आपको दिया होता है, जो टेक्स्ट होता है अपनी लैंग्वेज में, और बाकी जो हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद आता है एंड वाइस वर्सा पूरा वो आता है। तो आपके पास पहले एक शीट पहुंच जाए तो हम और ज़्यादा आपको बातें बताते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स पे इंग्लिश के, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग।